मायावती जी के खिलाफ नहीं, जहां देखो उनके बंगले, देखो उनके बंगले, देखो उनके हजारों करोड़ के बंगले। और बांटना है तो अपने उस धर्म के अंदर, उस जात के अंदर बांट दो ना, बना के दो ना किसी को महल। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। शर्मा साहब और फाउंडेशन के सारे मेंबरान साहबान, मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट की खातर, सत्ता की खातर कई ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जिसमें उनका लाभ, चाहे जात पात कास्ट मजहब धर्म के अंदर। पर मैं मानता हूँ हमारे लिए प्रथम राष्ट्र मेरा धर्म, भारत माँ मेरी जात, वंदे मातरम, हम इसको लेके चलते हैं। अगर आप जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के प्रथम राष्ट्र के लिए सोचते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माँ हमेशा मजबूत रहे, ये वो भारत माँ, ये माँ ऐसे नाम नहीं पड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियों से लाल खून बहा, उसके बाद इस मातृभूमि को आजादी मिली, फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगा झंडा बना। क्या आजादी के बाद हम उस आजादी की रक्षा कर पाए? क्या हम उस समाज के आदर्श राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां बन पाई? नहीं, हमने राजनीति का मतलब ही गलत निकाल दिया। आजादी से पहले राजनीतिक लोग थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां, हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी जिनको आज याद करते, उनका सपना ये नहीं था कि हम भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाएंगे, हम भारत माता को आजाद कराएंगे और उसके बाद कुर्सी सत्ता और सुख प्राप्त करेंगे। नहीं, उनका एक ही मकसद था, हम रहे या ना रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उनको नया रास्ता देना है, हम उसको नई आजादी देनी है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा हम उसमें नहीं बांटना है, भगत सिंह जी का यह सपना था। कोई हिंदुस्तान के अंदर ये ना कह सके मैं बड़ा हूं, छोटा भी कह सके मैं बड़ा हूं, पर हमें पीड़ा है, हमें दुख है, हम उसकी सोच पे पैरा नहीं दे सके। हमने वोट की खातर किसी को छोटा कह दिया, किसी को बड़ा कह दिया, कौन सी आजादी की बात करते हैं। मैं एक बार गोवा में किसी होटल में ठहरा था, मैं सुबह सैर के लिए निकला था तो एक भारत माता की सफाई करने वाला सफाई सेवक था, सैर करते करते मेरे मन में विचार आया, मुझे मैं क्या मुझे झाड़ू दे दी, कहता नहीं मैं इसको हाथ नहीं लगाने दूंगा, वो डर गया, मेरे साथ पुलिस वाला था, थोड़ा सा गुस्से हुआ उसने, मुझे झाड़ू दे दिया और मैं झाड़ू से मैं भी सफाई करने लग गया और उसके बाद मैंने उसके हाथ में दे दिया और मैंने उसको कहा मैं कौन हूं, उसने कहा आप इंसान हो, मैंने कहा तुम कौन हो, कहता मैं इंसान हूं, तो मैंने झाड़ू पकड़ के अगर मैंने भी तेरे साथ थोड़ी भारत माता की सफाई कर दी तो फर्क नहीं है। आज मुझे दुख आता, आज पीड़ा आती है, आज हम भी छोटे बड़ों के ऊपर हमने दीवारें खड़ी कर, हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बना ली, चाहे यूपी हो चाहे वो बिहार हो, हमने उनके नाम के ऊपर राजनीति कर ली। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मायावती जी के खिलाफ नहीं हूं, जहां देखो उनके बंगले, देखो उनके बंगले, देखो उनके हजारों करोड़ के बंगले। पर बांटना है तो अपने उस धर्म के अंदर, उस जात के अंदर बांट दो ना, बना के दो ना किसी को महल, ये दिखावे, ये झूठ,
इन लोगों ने हमें, हमारी आजादी को, हमारे राष्ट्र को कमजोर कर दिया। आज रोज हमारे जवान शहीद होते थे सरहदों के ऊपर, आज बताइए जब से 370 धारा कैंसर की बीमारी को नरेंद्र मोदी ने उखाड़ के फेंका है, मैं बीजेपी में नहीं हूँ पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। बताओ, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून के लिपटी हुई किसी की बॉडी आई है? नहीं आई है, क्योंकि प्रथम राष्ट्र था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे से अलग नहीं। हम बचपन में नारे लगाते थे, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक। ये बंटवारे के नारे हमारे आपस के नहीं है, ये नारे नेताओं के हैं। जनसंख्या पे काबू नहीं पाया जाएगा तो याद रखना भारत बहुत कमजोर हो जाएगा। सवाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, सवाल हमारे बाद आने वाली नई जनरेशन का है कि उनको कैसा भारत देखे जा रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो फौज का जर्नल बने, वो बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, वो अच्छा डॉक्टर बने, मेरी ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये हिंदू मुसलमान सिख के ईसाई के नारे लगाने वाले मेरी समझ में नहीं आई। मैं एक ही सवाल इनको पूछता हूँ, अगर तो भगवान ने हमें पता लिख के दिया है, एफिडेविट दिया है कि मैं सिख हूँ तो सिख धर्म में रहूंगा, ये मुसलमान है मुसलमान में ही बनेगा, हिंदू है हिंदू ही बनेगा, ईसाई है ईसाई भी बनेगा, तो भैया जो करना कर डालो, एक बार काम खत्म करो। पर अगर भगवान ने नहीं लिखा है, जिंदगी का कल का पता नहीं, मैं सिख हूँ मैं मुस्लिम बनूंगा, मुस्लिम है वो हिंदू बनेगा, तो भैया क्यों हमें लड़ाते हो? काहे की किताबें पढ़ी इन्होंने, काहे के प्रवचन पढ़े इन्होंने? अरे हमें एक रखने की शिक्षा दो। मेरे बात कई और स्पीकरों ने बोलना है, मैं समा कर लूंगा और मैं यही कहूंगा कि जो आंदोलन शर्मा साहब आपने शुरू किया था मेरठ से, आज ये दिल्ली तक पहुंचा है, ये सिर्फ जनसंख्या के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर बहुत भी पोल्यूशन के ऊपर है। हमने पेड़ों को, हमने और भी समाज के सिस्टम को, हमें आतंकवाद को, हमें लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, वो भी आपने मुद्दे साथ में लिए हैं, हर जगह हर कदम आपके साथ रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।